तो क्लास सबसे पहले हम सीखेंगे हमारे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक इमेज जिसमें प्लांट की डंडियाँ यानी स्टेम दिखाई गई हैं। तो इसे अगर काटा जाए या तोड़ा जाए तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएंगी, यानी बाहर से जब इन्हें काटने और तोड़ने के बाद देखा जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। तो अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में अगर स्टडी करें और बारीकी से इसे देखें तो इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिख रहे हैं जो कि सरफेस से बाहर नज़र आ रहे हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम बोलते हैं ट्राइकोम्स या हेयर्स। इसके बाद हम बात करते हैं एक लेयर की जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, एक ऐसी लेयर जिससे ये ट्राइकोम्स और हेयर बाहर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं इसके ऊपर होती है एक वैक्सी कोटिंग जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो बच्चों, ये जो क्यूटिकल आपको नज़र आ रहा है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्यूटिकल हमारी एक नीचे जो सेल की लेयर है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसे प्रोटेक्ट करता है और उससे वाटर लॉस को भी रोकता है। तो अगर हम बात करें अब एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो बनी हुई है पेरेन्काइमा के सेल्स की, यानी इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। बच्चों याद कीजिए, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था जिसमें हमने एक पेरेन्काइमा सेल्स को स्टडी किया था। तो ये पेरेन्काइमा सेल्स मिलके बनाती हैं एपिडर्मिस जो ऐसे प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। उसके बाद हम बात करें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड करता है एपिडर्मिस को। दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रोमेटा के बारे में और है एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर। तो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो तीन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो क्लास सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस के बारे में। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें हम सबसे पहले हाईलाइट कर रहे हैं क्यूटिकल, जैसा कि हमने सीखा था, एक वैक्सी कोटिंग जिससे ट्राइकोम्स और हेयर्स अराइज हो रहे थे और जो नीचे एपिडर्मिस को प्रोटेक्शन भी दे रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं एपिडर्मिस लेयर की। अगर हम बात करें क्यूटिकल के फंक्शन के बारे में, ये प्रोटेक्ट करता है एपिडर्मिस को मैकेनिकल इंजरी से और उसी के साथ साथ ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को भी। इसके बाद अगर हम बात करें एपिडर्मिस के फंक्शन के बारे में, तो इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर। तो एपिडर्मिस के नीचे जो भी प्लांट पार्ट्स या प्लांट स्ट्रक्चर आएंगे उनके प्रोटेक्शन का काम करता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, तो उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा ऐसे माइन्यूट छोटे से पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स की एपिडर्मिस पे। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर जिसमें हम बात करते हैं इसकी सराउंडिंग सेल्स की जो होती है एपिडर्मल सेल्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक इनर वॉल की, उसके अंदर होता है एक ओपनिंग जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। उसके बाद हमें दिखाई गई है आउटर वॉल। स्टोमेटल अपर्चर के बाहर जो ये ग्रीन कलर की आप सेल देख पा रहे हैं इसमें है क्लोरोप्लास्ट। और हम बात करते हैं ये जो ग्रीन कलर की बीन शेप सेल्स या किडनी शेप सेल्स आपको दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ये गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं, एक बीच में ओपनिंग या अपर्चर दिखाया गया है जिसे हमने बोला स्टोमेटल अपर्चर, इसकी ये इनर वॉल है और एक आउटर वॉल है और इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड करता है एपिडर्मल सेल्स। अगर हम बात करें गार्ड सेल की, तो बच्चों इमेजिन कीजिए इनकी शेप किससे सिमिलर आपको नज़र आ रही है। अगर हम बात करें गार्ड सेल्स की, तो इनकी शेप सिमिलर होती है राजमा से, यानी जो किडनी शेप और बीन शेप स्ट्रक्चर हमने बोला वो सिमिलर होता है गार्ड सेल की शेप से। बच्चों क्या आपको पता है कि जो स्टोमेटा है उसमें जो अभी हमने गार्ड सेल्स को सीखा उसकी सराउंडिंग सेल्स को सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर इमेज को स्टडी करें
तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्टोमेटल अपैरेटस, जिसमें जो ये सराउंडिंग डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर हाईलाइट किया गया है, ये होती हैं सब्सिडरी सेल्स। और फाइनली इसके आसपास फिर हमें मिलती है एपिडर्मल सेल्स। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोमेटा के फंक्शन की, तो स्टोमेटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज इट हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज एंड वाटर वेपर लॉस इन ट्रांसपिरेशन। अगर हम बात करें स्टोमेटल ओपनिंग के बारे में, तो ये गैशियस एक्सचेंज करने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये CO2 लेता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है। और अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, तो ये एक्सेस वाटर को भी लॉस करने में मदद करता है इसी ओपनिंग के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो क्लास इसके बाद हम बात करें हमारे थर्ड कंपोनेंट की, वो है हमारा एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स को अगर हम अलग अलग इमेजेस में देखें, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टमाटो का प्लांट दिखाया गया है, जिसमें आपको ऐसे पतले पतले धागे निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, ये है हमारे ट्राइकोम्स। इसके अलावा अगर हम दूसरी इमेजेस में देखें, तो यहाँ पर आपको लीफ पर भी छोटे छोटे वाइट कलर के धागे दिख रहे हैं, ये भी ट्राइकोम्स ही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी आपको स्टेम में ऐसे वाइट कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ट्राइकोम्स। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, तो ये चेक करते हैं एक्सेस वाटर लॉस को एंड प्रोटेक्शन को। यानी जो ट्राइकोम्स हैं वो ऐसे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक्सेस वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और इसी के साथ साथ ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करें रूट हेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है, जिसमें आपको ऐसे वाइट कलर के धागे निकले हुए नजर आ रहे हैं। ये वाइट कलर के धागे जो आपको निकले हुए नजर आ रहे हैं, ये हैं रूट हेयर्स। तो ओवरऑल अगर हम रूट हेयर्स के फंक्शन की बात करें, तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो वाटर और मिनरल्स सॉइल में हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर प्लांट पार्ट्स को प्रोवाइड करेगा। दूसरा फंक्शन है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करना है सॉइल से, तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से रूट हेयर्स दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं।